देखो ये कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है कि कॉमिक्स में स्टेरियोटाइपिकल सेक्सिज्म की कहानियां सामने आती रहती हैं और उनमें ज्यादातर भेदभाव फीमेल कैरेक्टर के साथ ही किया जाता है। अब चाहे तुम एग्जांपल ले लो सुपरमैन का ही, तो उसने एक कॉमिक में लुईस लेन को स्पैंक किया था, या फिर एक और कॉमिक है मार्वल की जहां एंटमैन ने वास्प को डोमेस्टिकली अब्यूज किया। आजकल तो कम हो चुका है लेकिन पहले ऐसा बहुत था। लेकिन अगर आज भी देखेंगे तो कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां फीमेल कैरेक्टर्स को डिमेनिंग तरीके से या फिर ओवर सेक्सुअलाइज कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दिखाने में किसी को क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी दिखाओ, लेकिन इन दी एंड ये कॉमिक्स जो पढ़ रहा है वो तो रियलिटी में जीता है और वास्तविकता हमेशा निराशाजनक होती है। और इंट्रो छूट रहा है, तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में हम कॉमिक बुक फीमेल कैरेक्टर्स के साथ जो सक्सेस मोमेंट्स दिखाए गए हैं उनको देखेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, और ये भी देखेंगे कि पहले की लोग कॉमिक्स में क्या बकचोदी करके बैठे थे। तो सबसे पहले आती है अपनी वंडर वुमन। अब ये पहले की पहली ऐसी फीमेल हीरोइन है जिसे इतना फेम मिला कॉमिक्स और मूवीज में। तो इसकी कहानी सामने आती है कि वंडर वुमन जस्टिस सोसाइटी में एज अ सेक्रेटरी के रूप में इंट्रोड्यूस की गई थी। एक ऐसी बंदी जिसने अपने टाइम में धरती के महाबली सुपरमैन को पीट के बानर बना दिया। जस्टिस सोसाइटी में इसे एज अ सेक्रेटरी के रूप में शामिल किया गया। आजकल के कॉमिक में ये तो मेन प्रोमिनेंट मेंबर्स में से एक है, डिसीजन मेकिंग का काम करती है। और अगर डायना ना हो जस्टिस लीग में तो जस्टिस लीग नहीं लगता। What is a secretary? Ooh, well, I do everything. I go where he tells me to go and I do what he tells me to do. Oh, well, where I'm from, that's called slavery. I really like her. खैर, वंडर वुमन के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत बार हो चुका है। जैसे कि एक और कॉमिक आई थी जब डायना जनरल से कहती है कि मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, लेकिन जनरल कहता है नो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है किसी भी महिला के दिमाग के लिए, चाहे वो कोई भी महिला हो एक्सेप्ट वंडर वुमन। समझ में आ रहा है ना, ये सब तब लिखा गया था जब कॉमिक्स काफी चर्चा में थी अपनी गोल्डन एजेस में। इसे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे, वंडर वुमन स्पेशल है, अमेज़ोनियन एबिलिटीज रखती है तो वो कर लेगी, लेकिन जब वो डायना के रूप में दिखती है तब वो एक ऑर्डिनरी वुमन बन जाती है, ऐसा इसका कहना है। और ऐसा मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। कहानी को पास्ट में दिखा के डायरेक्टर कसम से बच गई, अगर प्रेजेंट में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन दिखाती ना तो इंटरनेट ले लेता इनकी, वो भी बिना कहे। तो अपने वंडर वुमन से हटके अपने अगले कैरेक्टर को देखे तो आती है सुपर गर्ल। ये भी कहानी कॉमिक्स के गोल्डन एजेस में स्टैंड करती है, जब 1970s में जब सुपर गर्ल को एडवेंचर कॉमिक्स में अच्छा खासा लीड रोल में दिखाया जाने लगा, तब एक कॉमिक का कवर सामने आया, वंडर वुमन स्टारिंग सुपर गर्ल इशू 415। इस कॉमिक में ऊपर की कहानी ये है कि स्पेस पायरेट को सुपर गर्ल पसंद आ जाती है मेट करने के लिए। शादी नहीं, सिर्फ ब्रीडिंग करेंगे, और धमकी भी देते हैं कि करो वरना धरती को उड़ा देंगे। लेकिन सुपर गर्ल सब संभाल लेती है। चर्चा की बात तब शुरू होती है जब इसका कवर सामने आता है, जहां टीन एज सुपर गर्ल को बालों से खींच के शादी में ले जाया जा रहा होता है, जो कि उसकी मर्जी भी नहीं रहती। और एक्चुअली जैसे मैंने बताया, कॉमिक्स में ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं जाता, समझ रहे हो ना, ये 90s के जमाने का क्लिकबेट है। मतलब कि टैलेंट है तो कहानी की पूरी काया ही पलट के कवर में दिखा देंगे। तो अपने अगले फीमेल कैरेक्टर की बात करते हैं, अपनी इनविजिबल वुमन सुजन स्ट्रॉम। स्टैनली ने इतने प्यार से सुजन को बनाया कि डीसी के वंडर वुमन को टक्कर देगी, भले ही इसके पास सुपर स्ट्रेंथ ना हो तो क्या हुआ, ये फिर भी मार्वल के फर्स्ट सुपर हीरोइंस में से एक ही रहेगी। लेकिन अलग अलग राइटर्स ने कैरेक्टर्स की गांड मार दी। बात है 1963 की कॉमिक फैंटास्टिक फोर इशू 12, जिसमें एक सीन आता है जहां सभी फैंटास्टिक फोर एक मिशन पे जा रहे होते हैं। सबकी प्लानिंग हो जाती है कि कौन क्या करेगा, लेकिन सुजन कहती है ऐसा लग रहा है कि मैं इनके साथ सिर्फ घूमने जा रही हूं, मुझे ठीक से पता ही नहीं कि मैं इनकी मदद कैसे करूंगी। जनरल कहते हैं मिस स्ट्रॉम, एक जवान खूबसूरत लड़की हमेशा मदद कर सकती है मर्दों का हौसला बढ़ा के, मतलब कि चीयर करके। यहाँ तक कि मिस्टर रीड साहब भी हाँ में हामी मिलाते हैं। अब जिनको नहीं पता मैं ये भी बता देता हूँ, ये इतनी खतरनाक महिला है कि अच्छे अच्छे लोगों की मां चोद देती है। चीयर लीडर बना के रखोगे तुम, गुर्दा निकाल तुम्हारे हाथ में दे देगी, हवा भी नहीं लगेगा। अब अपनी अगली कैरेक्टर है बैट वुमन, और यहाँ बैटमैन ने मजा लिया है इसका। और क्या हुआ है कि 1962 की डिटेक्टिव कॉमिक इशू 307 में कोई एक कांड हो जाता है, और उस फाइट में बैट वुमन लेट पहुंचती है और कहती है मुझे जस्ट अभी पता चला। बैटमैन मजा ले लेता है, जस्ट लाइक अ वुमन ऑलवेज लेट। लेकिन तुम अल्फा से मिलने के लिए ज्यादा लेट नहीं हुई हो। अब बैटमैन ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि सारा बवाल इनडायरेक्टली इसी की वजह से हुआ है। मतलब कि कॉमिक में एक अल्फा द एक्सपेरिमेंटल मैन है, वो इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल मैन है, किसी सिंथेटिक से बना है, तो रोबो टाइप है, इंसान बनना चाहता है, इमोशन फील करना चाहता है, प्यार करना चाहता है बैट वुमन से, और आगे की एक सीन में वो उसे मरने से बचाता भी है। अब ब्रूस अपना सख्त लौंडा टाइप आदमी, लेकिन कैथरीन के सामने थोड़ा सा पिघल सा जाता है। कई लोगों को ये छोटी सी बात लगेगी, लेकिन कई लोग हैं जिनको बुरा भी लगा है, क्योंकि बैटमैन सीरियस बंदा है, वो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता किसी फीमेल के बारे में, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो उसके अंदर बहुत इज्जत है। तो लोग बस इसी बात पे भड़के हुए थे कि बैटमैन ने ऐसा क्यों कहा, ये इसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है, इज अ ट्रू जेंटलमैन। फिर सारा दोष घूम फिर के राइटर पे आ जाता है।
क्या क्या सोच के लिखते हैं वो सब, समझ नहीं आता। अब अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैट गर्ल पे आते हैं। यहाँ लफड़ा हुआ है जोकर के साथ। ये तो पागल आदमी है, मैं जानता हूँ। मैंने एक स्पेशल से वीडियो बना रखी है कि कैसे जोकर ने हार्ली को कैसे फिजिकली और मेंटली असॉल्ट किया, वो भी कई बार। लेकिन यहाँ बस बात हार्ली की नहीं आती, और भी महिलाएं हैं, जैसे कि बारबरा गॉर्डन बैट गर्ल। बारबरा, बाप रे बाप, इसके ऊपर तो अलग से वीडियो चाहिए। लेकिन आपने कभी सुना है कि जोकर ने बैट गर्ल को कैसे फोर्सफुली हैरेस किया? हम जानते हैं कि जोकर पागल है, लेकिन 2015 की कॉमिक बैट गर्ल इशू 41 में जोकर भी जबरदस्ती ही चाहता था कि बैट गर्ल उससे शादी कर ले। ये साला हर बार बात शादी पे घूम के क्यों आ जाती है डीसी में। खैर, आगे की कहानी में जोकर बैट गर्ल को इतना हैरेस कर चुका है उसकी माँ और उसकी बेटी की धमकी देकर कि उसे शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ता है। और आगे जब शादी होते होते रह जाती है, जोकर बेहोश बैट गर्ल के चेहरे की स्किन निकाल कर बैटमैन को दिखाता है, और ये काफी डिस्टर्बिंग था। यहाँ तक कि जब शादी के बीच में जब सब मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, तब जोकर चेन सॉ से बैट गर्ल के हाथ पैर काटने को चाहता था। अब यहाँ तो ये बात क्लियर है कि जोकर बैट गर्ल क्या, जोकर किसी की इज्जत नहीं करता। देखो, ये सारी जो मैंने आपको कहानियां बताई हैं, किसी ना किसी ने तो लिखी ही है। जानता हूँ रीइमेजिनिंग स्टोरी लाइंस को रियल लाइफ में जैसे डिपिक्ट किया जाता है वैसे ही दिखाना पड़ता है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं, महसूस करते हैं, मगर उन्हें दिखाना अच्छा नहीं होगा, चाहे हमारे लिए या सोसाइटी के लिए। इससे आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ये सब जो लौंडे आजकल जोकर बनते घूमते हैं ना, उन्हें कभी पता ही नहीं होगा कि जोकर कितना डार्क कैरेक्टर है। तुम्हें पता है मैं जोकर हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे ए, मारो इसको। लोग पॉप कल्चर और ग्राफिक नॉवल से इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो ऐसे सेक्सिज्म और जेंडर इक्वलिटी को लेकर बहुत बेहुदे पोर्शंस कॉमिक में डिपिक्ट करने नहीं चाहिए, और ऑलमोस्ट हम सब इस बात से एग्री करते हैं। सबको बराबरी का हक है अपनी बात रखने का। और बात यही नहीं रुकेगी, हम अपनी आने वाली वीडियो में मेल सेक्सिज्म के ऊपर भी बातें करेंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर बहुत थोड़ा भी नहीं है। मेल कैरेक्टर्स भी सेक्सिस्ट एजेंडा से सफर हो चुके हैं कॉमिक्स और सुपर जॉनर की मूवीज में, लेकिन वो कहानी फिर कभी। और इन कॉमिक्स में फीमेल कैरेक्टर्स के साथ जो सेक्सिज्म वाला बवाल हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में उसके बारे में बताएं, और अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मारो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब मारो इस चैनल को। बहुत ज्यादा ही अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। अपने कपड़े उतारो, ठीक है।